पूर्णिया कस्बा से तनवीर आलम की रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि सीमांचल में पहली बार घटित हुआ है। जी हाँ, यह वही घटना मंगलवार की है जो रामबाग पूर्णिया में मॉल के टंकी से सेंटर इन खोलने के दौरान टंकी में फंस कर दम घुटने से कस्बा मिर्जावाड़ी के 3 मजदूर मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद आलमगीर एवं मोहम्मद तारिकुल की मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु के पश्चात परिवार को सांत्वना देने पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा पीड़ित के घर मिर्जावाड़ी पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए सांसद कुशवाहा ने कहा कि मृतक परिवारों को जल्द से जल्द सरकारी लाभ एवं पारिवारिक लाभ मुहैया कराया जाएगा और इसमें जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां मृतक परिवारों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पूर्णिया सांसद कुशवाहा के साथ जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान, पूर्व मुखिया मोहम्मद मूसा, वार्ड सदस्य मजहर हक, मोहम्मद शफीक एवं मोहम्मद आमर भी शामिल थे। आगे अंतिम दर्शन करने आए ग्रामीण मोहम्मद मुश्ताक आलम ने बताया कि दोनों भाई जहां और आलमगीर आलम काफी मेहनती और मिलनसार थे और कहा था कि ईद में साथ रहेंगे और बच्चों के लिए नए कपड़े भी लाएंगे। हम आपको आगे यह भी बताते चले कि मनोज कुमार सिविल इंजीनियर ने टंकी में प्रवेश करने से पहले किस तरह की सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने बताया कि टंकी में प्रवेश करने से पहले उसका ढक्कन कम से कम 1 घंटा पहले खोलकर छोड़ दें। इसके बाद में घुसने से पहले लालटेन लेकर ही अंदर प्रवेश करें। अगर दिया बुझ जाए तो अंदर प्रवेश ना करें। अंदर किसी भी तरह का जहरीला गैस रहने पर मोमबत्ती या लालटेन नहीं जलेगा और हमें इसी तरह की सावधानी छोटे गड्ढों में भी घुसने के दौरान बरतनी चाहिए। सर, अभी तक आप आने के बाद अभी मृत्यु को क्या आश्वासन दिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मरा है परिवार के प्रति उनके बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जी, और जो सरकारी लाभ मिलता है जी, पारिवारिक लाभ जी, और जो सरकार का 4 लाख का मुआवजा जी, क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हुई है जी, संघटना और जो लेबर डिपार्टमेंट से 1 लाख रुपये भी जी, वो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इनको लाभ दिलवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में जी। क्या घटना कैसे हुई थी? वो सर हम वहाँ परमानेंट थे, ठीक है, ठीक है, परमानेंट वो टंकी खोल रहे थे, ठीक है, टंकी खोलने के बाद वो घुसा है, जैसे कि वो 4 फीट तक गया है, ठीक है, तो बस अपने आप दम टूट गया। अच्छा, तो फिर दूसरा आया, अच्छा, दूसरा तो दूसरा पकड़ने गया तो हमने पकड़े, दूसरा आदमी पकड़ा वो, अच्छा, अच्छा, वो जब पकड़ने गया तो वो भी दम टूट गया। अच्छा, उसी एकदम मिनट मिनट पर, फिर दूसरा आया तो दूसरा आदमी मर गया इसका अंदर में, वो आया हम सब बोलते हैं कि इसका अंदर में नहीं जाइए, ये खींच रहा है, कोई नहीं होगा। उसके बाद ये हम होने लगे, फोन करने लगे, ये हाथ पकड़ा उसका, जैसा हाथ पकड़ा वो भी खींच लिया उसको। अच्छा, खींचने के बाद उसका अंदर में या करंट या कोई इसका कोई सबूत नहीं है, करंट रहने से तो थरथराता है। अच्छा, उसमें कोई दिखाई नहीं मिल जाता है। आप लोग को कैसा लग रहा है? वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ नहीं रहा है, पूरा फ्रेश है, लेकिन अपने आप घायल हो जाता है, पूरा दम तोड़ देता है। कितने आदमी डेड हुए हैं? 3 आदमी। अच्छा, ये दोनों भाई हैं, एक मेरा मामा ने भाई। अच्छा, इस तरह के घटना का तो कोई अनुशंसा होंगे, फिर वजह क्या है जो 10 फीट या 12 फीट गड्ढा में तीनों एक साथ मर जा रहे हैं, इसका वजह क्या? उसको तो हम लोग पकड़ नहीं सकता है कि क्या है इसका अंदर में। अच्छा, कोई आदमी बोल रहा है कि बिजली का करंट है, उसमें भी हम लोग सरिया घुसा है, लेकिन ताल नहीं, अगर सरिया घुसाएंगे तो बिजली में तो पकड़ेगा। अच्छा, आप वहाँ पे परजेंट थे? वहाँ परजेंट शुरू से हम तीनों को मरते हुए आप देखे? हाँ, तीनों को देखे हम मरते हुए। अच्छा, फिर इसका आप सूचना कहाँ दिए कि जो मर रहा, तो आप किसी को रोके नहीं कि वो मर गया? तो रोने लगे, तो रोड से रोड का किनारा है ना, तो रोने खूब रोने लगे, तब रोड वाले देखने लगा, वो आकर देखा, बस चिल्लाया, इतना आवाज किया, तब चारों तरफ से आदमी आया है। अच्छा, तब बाहर का जो आदमी था वो सटने लगे सब। अच्छा, प्रशासन में आ गया। अच्छा, तब वो लोग सटने लगे किसी को। अच्छा, तब फिर रस्सी से बांध बांध के। अच्छा, तीनों का मौत हो गई? हाँ, तीनों का मौत। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? एम डी लाल चंद। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तीनों जो डेट हुआ कहाँ का है? वो तीनों मेरे दो भाई है। हाँ, एक मावारा भाई है। कहाँ के हो तीन? वो मोहनी मुरियावली का है, कस्बा का जी। अच्छा, तीनों? तीनों एक ही गाँव का है। तीनों का बाल बच्चा? तीनों का बाल बच्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ? नाम कहा?